दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है मसाला मैगी टिक्का। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैगी मसाला टिक्की बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है बॉईल किया हुआ नूडल्स, बॉईल किया हुआ ग्रीन पीस, बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न, कॉर्न फ्लावर, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, जैन मैगी मसाला, क्रश किया हुआ ग्रीन चिलीज, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, ऑयल, सॉल्ट, मैश किया हुआ कच्चा केला, मैंने यहाँ पर 2 कच्चे केले लिए हैं, और मैगी। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। कच्चा केला लिया है मैंने, यहाँ पे 2 कच्चा केला लिया है। बॉइल्ड नूडल्स ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, मैगी मसाला 1 टेबलस्पून, बॉइल किया हुआ ग्रीन पीस, बॉइल किया हुआ स्वीट कॉर्न, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 स्पून ब्लैक पेपर, 2 ग्रीन चिलीज क्रश किया है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए बिकॉज ऑलरेडी चिली फ्लेक्स भी है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। फ्रेशली चॉप कोरिएंडर लीव्स अच्छे से मिक्स करके एक डो बांधेंगे हम टिक्की के लिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े कॉर्नफ्लावर की और ऐड करने की तो आप ऐड कर सकते हैं। दोनों हैंड पे मैंने अच्छे से ऑयल ग्रीस किया है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। जो साइज जो शेप की आपको चाहिए आप उस हिसाब से बनाएंगे। एक साइड मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इस टिक्की को मैगी में इस तरह से कोट कर देंगे अच्छे से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।